गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसाद शुक्ला समृद्धि पेट आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जर्मन शेफर्ड के बारे में है। तो जर्मन शेफर्ड सबसे बेस्ट गार्ड डॉग माने जाते हैं और ये है भी बेस्ट गार्ड डॉग। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी हम कैसे चेक करें, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्योरिटी में चेक होता है जर्मन शेफर्ड का, ये जो बॉडी के बाल होते हैं ये पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, और इनके जो पैरों के बाल होते हैं ये टेन कलर गोल्डन कलर में होते हैं। उसके बाद जर्मन शेफर्ड के जो कान है वो खड़े होते हैं, पपीज में 3 to 4 months तक ये कान नीचे भी होते हैं, तो इनको खड़े होने में कम से कम 4, 5, 6 महीने तक का समय लगता है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। और उसकी पहचान है तीसरी, वो है इसकी टेल। तो ये जो जर्मन शेफर्ड की जो टेल है वो पूरी तरह से ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, ना कि ऐसे ऊपर उठी हुई। अगर टेल ऊपर उठी है या फिर राउंड है तो कुछ तो गड़बड़ उसकी क्वालिटी में है। तो ये है जर्मन शेफर्ड की पहचान, और भी इसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक देखते हैं कि जर्मन शेफर्ड को हम क्या दे, खाने में क्या दे और क्या ना दे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जर्मन शेफर्ड को क्या नहीं देना चाहिए ये पहले जानते हैं। तो जर्मन शेफर्ड को सबसे पहले तो दूध बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये कॉर्नी वायरस है, और कॉर्नी वायरस में जो है उनके दांत, उनके जो है कैनिन टीथ होते हैं, मतलब ये जो दांत है उनके जैसे लंबे होते हैं। तो इनको जैसे कि डॉग्स, लॉयन, टाइगर, इनको मिल्क बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई ये तो उसकी मदर का मिल्क पिएगा। तो दोस्तों, मदर का मिल्क सबसे बेस्ट उसके पपीज के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, और वो उनको मिलना ही चाहिए। तो इसको जर्मन शेफर्ड को हम खाने में क्या दे सकते हैं? तो जर्मन शेफर्ड को हम पहले से तीसरे महीने तक हम इसको पपी स्टार्टर या सेरेलैक, पपी स्टार्टर सेरेलैक, ये दो ही चीज़ें दे सकते हैं, यही दो ही चीज़ें देना चाहिए। उसके बाद इसको 3 to 6 months तक, लगभग तीसरे महीने से हम इसको पपी स्टार्टर, घर का खाना, थोड़ी रोटी, चावल, दही, ये भी इसके खाने में हम दे सकते हैं। तो जर्मन शेफर्ड को कैल्शियम देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की इसकी बोन साइज बढ़िया बनती है, इनके कान जल्दी खड़े होने में इनको मदद होती है। और जर्मन शेफर्ड को दूध ना देने का सबसे बेस्ट और सबसे मेन रीज़न ये कि इनका लीवर स्ट्रांग नहीं होता है। तो जर्मन शेफर्ड को लीवर टॉनिक भी हम बचपन से देना चाहिए, इससे इनके लीवर भी स्ट्रांग होता है। और जर्मन शेफर्ड की पहचान, अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, फोन भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि सर हम जर्मन शेफर्ड में डबल कोट और सिंगल कोट ये कैसे पहचाने। तो दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डबल कोट की जो पहचान है वो इसके फर, मतलब इसके बालों से होती है। तो ये देखो, ये जो मेरी उंगली है अभी, इसके बालों में पूरी तरह से आपको सामने से कैमरे से दिखाई नहीं देते होंगे, ये जो है ये पूरी तरह से इसके बालों में छिप गई है। तो दोस्तों, ये है प्योर डबल कोट जर्मन शेफर्ड, और ये डबल कोट जर्मन शेफर्ड है। इसकी जो बोन साइज है ये फुल हेवी बोन में है, लगभग मेरी दो उंगलियों के बराबर इसका एक पॉज है, मतलब इसका एक बोन है। तो ये है दोस्तों डबल कोट जर्मन शेफर्ड की पहचान। सिंगल कोट में इसके बाल थोड़े छोटे होते हैं, और लॉन्ग कोट
लॉन्ग कोट में इसके बाल इससे भी और थोड़े बड़ा लगभग 2 इंच या 2.5 इंच के इसके बाल होते हैं। तो ये सिंगल कोट, डबल कोट और लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड की पहचान है। तो दोस्तों आपको भी अगर किसी को जर्मन शेफर्ड चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो हमारे पास पपी आए हैं, ये डबल कोट में पपी आए हैं। तो ये लगभग हमारे पास 2 पपी है, एक मेल और ये एक फीमेल। फीमेल तो सेल हो चुकी है और एक मेल बचा है। तो जिस किसी भाई को अगर वो प्योर क्वालिटी, ये समृद्धि पेट्स की क्वालिटी है, तो समृद्धि पेट्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पपीज पर ही डील करती है। तो आप जिस किसी भाई को पपीज लेना हो या इनकी ऐसी क्वालिटी के पपी लेने हो तो वो ज़रूर समृद्धि पेट्स में कॉल करें और समृद्धि पेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये जो जर्मन शेफर्ड के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।